हाँ जी, कौन है? इंक्वायरी है, बिठा लो 2 मिनट।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट। सो गाइस, डेट है अज दी अपने कोले 6 मार्च ते अज दे करंट अफेयर्स दे नाल शुरू करदे आं आपां अपने पंजाब जीके दा डिस्कशन, प्लस कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री दे, पॉलिटी दे ते साइंस दे भी होणगे ते सारे ने पार्टिसिपेट करना है। सो लेट्स बिगिन विद दी हाईलाइट्स। अपने अज दा सब तो पहला न्यूज़ की आंदा है, अपने यूनियन यूथ अफेयर्स ते स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? वैसे कौन है यूनियन स्पोर्ट्स एंड मिनिस्टर अपने कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है ना। सो अनुराग सिंह ठाकुर जेड़े हैगे अपने यूथ अफेयर्स मिनिस्टर है। इन्होंने हाल ही दे विच नैशनल यूथ पार्लियामेंट्री फेस्टिवल नू पार्लियामेंट दे सेंट्रल हॉल दे विच इनॉगरेट किया है, जेड़ा कि किथे है न्यू दिल्ली दे विच। हाल ही दे विच मतलब इन्होंने कल ही किया है ते अज तो इवेंट इन्हां दी शुरू हो जानी है, क्योंकि यह 6 मार्च जेड़ा है फाइनल होना सीगा ते अज 6 मार्च हैगी है ते अज जेड़ा है यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का आखिरी दिन है। इस फेस्टिवल च की हुंदा है बच्चों के ना बहुत सारे, जिमें कि तुसी इत्थे देख रहे हो 785 डिस्ट्रिक्ट दे बच्चे जेड़े सीगे पूरे ऑल ओवर इंडिया, उन्हां सारियां नूं ना एक डिबेट कॉम्पीटिशन दे विच हिस्सा दिलवाया गया, ठीक है। वो डिबेट किस चीज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए है कि जो भी अपना संविधान है किवें बनया है, की रूल्स है, की रेगुलेशंस है ना, उन्होंने उत्ते कमेंट्स करन वास्ते या डिबेट करन वास्ते ना ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑर्गनाइज किया। जेड़े बच्चे डिस्ट्रिक्ट विनर सीगे ओह स्टेट लैवल ते फाइट किते सी, जेड़े स्टेट लैवल वाले सी ओह हुण नैशनल लैवल ते फाइट करनगे। तां मतलब नैशनल लैवल किथे होएगा? पार्लियामेंट भवन दे विच दिल्ली दे विच होएगा, जो कि अज दे दिन होएगा, ठीक है ना। 785 डिस्ट्रिक्ट दो विचों आपां बच्चे लई सी, फाइनल हो गए, स्टेट च गए, स्टेट तो कितने गए नैशनल च गए। समझ आया ना कि ये डिबेट कॉम्पीटिशन है एक तरीके का, ठीक है। हुण देखांगे जदों ये फेस्टिवल कंप्लीट हो जाएगा तो ये विनर्स वगैरह किसनों कढ़िया जाता है, ठीक है। नैक्सट पॉइंट अगर आप याद करना है तो इसकी थीम की रहेगी, थीम यदि रहेगी यंग वॉइसिस, क्योंकि यूथ हैगी है, न्यू जनरेशन हैगी, वो की बोलना चाहती है। एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप नू एंगेज करती है, सशक्त करती है, एम्पावर करती है, ताकि अपने कंट्री नू आपा ट्रांसफॉर्म कर सकीए, ठीक है। तो ये तो आप देख ही लिया कि 3 लैवल्स से इनू ऑर्गनाइज किया गया सी, ठीक है ना। सो ये अज का न्यूज़ हैगा, इनू ट्रेस करना है। अज जदों भी तुसी पूरे दिन च कदे भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे या फोन ते अपनी हेडलाइट हाईलाइट देखोगे तो थानू पता लगेगा कि अज दे दिन जेड़ा है सारा इवेंट होना है, ठीक है। कल इनॉगरेट कर दिता सीगा ते अज ये इवेंट कंप्लीट होएगा, ठीक है। चलते हैं अगले न्यूज़ ते। अगला न्यूज़ की है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जेड़े है इन्होंने 2 वड्डे पायर्स ते 7 टावर 320 घर जेड़े हैगे है वो नेवी ऑफिसर्स ते डिफेंस सिविलियंस वास्ते लॉन्च किए हैं, इनॉगरेट किए हैं। किस प्रोजेक्ट का यह हिस्सा है? प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो कितने चलता है प्रोजेक्ट सी बर्ड? नेवल बेस करवार जेड़ा कि कितने है कर्नाटका दे विच, ठीक है ना। सो ये मैं थोनू पहला तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दिया की है। ये प्रोजेक्ट जेड़ा है इहदा पहला फेज 2011 दे विच शुरू होया सीगा। इस प्रोजेक्ट दे विच की हुंदा है कि आपां ना बहुत सारे शिप्स बनाने हैं, सो एहो जे शिप बनाने हैं जेड़ा कि नेवल बेस दे तौर ते काम कर सके। मतलब एक तो हुंदा है नेवी दा बेस जेड़ा कि लैंड एरिया दे विच है, समुद्र दे नज़दीक है, लेकिन एक एहो जा बेस रेडी करना है जेड़ा कि समुद्र च उतर सकदा है ते समुद्र दे विच ता शिप भी उतर सकदा है ना। तो हुण तक इस प्रोजेक्ट दे विच आपां 10 एहो जे शिप बना चुके हैं जो कि नेवल बेस का काम करते हैं, जिन्हां विचों एक नेवल बेस करवार दे विच है जो कि कर्नाटका दे विच पैंदा है, यानी कि करवार ही शिप का नाम है, INS है एक तरीके का, तो ओदे च ही पूरा नेवी का बेस लगता है, ठीक है ना। सो ये प्रोजेक्ट आपां तैयार किया सी। हुण अज दे दिन की कर रहे अपने रक्षा मंत्री जी की करते हैगे है, यह 2 वड्डे पायर, पायर की हुंदे है? हुण मान लो जी आ हैगा अपना लैंड एरिया ते आ हैगा सारा समुद्री एरिया, ठीक है ना, पानी है। तब पानी तो लैंड दे विच ना वुडन दे वड्डे वड्डे पायर्स लगाए जांदे, इस तरीके नाल तख्तियां लगाई जांदी है जिन्हां नूं तुसीं कह सकदे हो, ताकि आपां शिप नूं उपर चढ़ा सकीए, ठीक है ना। तो शिप नूं बंदरगाह तक पहुँचाण वास्ते, यस इहो जिहा सिस्टम हैगा, शिप नूं बंदरगाह तक पहुँचाण वास्ते एक सलांटड जिहा पायर लग्गिया हुंदा है, तो उह वड्डे वड्डे पायर जिहड़े है इन्हां ने इनॉगरेट किए हैं। 7 टावर इन्हां ने बनाए है जिहदे विच 320 घर हैगे, ताकि नेवल ऑफिसर्स उत्थे रह भी सकन, ठीक है ना। तो इहदे वास्ते सो सिविलियंस वास्ते भी यह काम जेड़ा है किया गया है। सो ये अपने कोले आज दा ताजा न्यूज़ आया। चलते हैं अगले न्यूज़ ते। ये भी बड़ा ही फैंटेस्टिक न्यूज़ है। अपनी दुनिया दे विच फ्रांस पहली कंट्री बन गई है जिसने एबॉर्शन दे राइट्स नू अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लिखा है।
ऑलमोस्ट अबॉर्शन राइट्स हर एक कंट्री दे विच दित्ते हुए है, लेकिन उन्हां दे रूल्स दे विच दित्ते है, जिवें कि अपने देश दे विच भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती हैगी है कि किस एज दे विच या किस समय दे विच अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इत्थे कंप्लीट फ्रीडम दे दित्ती गई है, जिवें इंडिया दे विच रूल है कि अगर 24 हफ्तियां दी प्रैगनेंसी हो चुकी है तां तुसीं उस प्रैगनेंसी नूं अबॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर ये कोई यहोजा डिफेक्ट आता है, बच्चे कोई नुक्स हैगा जो पता लग रहा अपन अल्ट्रासाउंड च, फिर तुम कोर्ट तो परमिशन लेके कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिती सी कि जेड़ा अगर बच्चे डाउनज सिंड्रम दे करके बच्चे गिराया जा रहा है तो वह चीज़ गलत है, क्योंकि डाउन सिंड्रम का रिहैबिलिटेशन थैरेपी के इलाज हैगा, ठीक है। सो यह कोई यहोजी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती कदे भी, हेल्दी बच्चे भी इस बीमारी नाल अपनी दुनिया के जिंदा है, ठीक है ना। सो यह अपनी कंट्री का रूल है, लेकिन फ्रांस जी है अपने संविधान के लिख दें, जिदा मतलब की है जिस मदर की इच्छा नहीं है बच्चे रखन की, वो जिस मर्जी एज के बच्चे अबॉर्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो फ्रांस पहली कंट्री बनया पूरे विश्व के जिन्ना ने अबॉर्शन वास्ते किथे लिखिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन च, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला अपने कोले न्यूज़ आया कि जो अपनी गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, इन्होंने परमिशन दे दी है कि 64,400 टन दी अनियन जेड़ी है यूएई ते बांग्लादेश नू एक्सपोर्ट कीती जावे। फिलहाल उत्थे थोड़ी जी किल्लत चल रही है, इसे करके एहो जी कंट्री ही हमेशा मदद करती है जेड़ी कि ए सब कुछ चीज़ां दे विच सक्षम है, ते खेतीबाड़ी दे विच ता इंडिया वैसे ही टॉप ते चल रहा हैगा, है ना। सो इस करके आपां जेड़ा अनियन वगैरह है हाल ही दे विच किनू किनू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यूएई ते बांग्लादेश नू कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ अपने को ले आया है कि फॉर अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो ट्रिब्यूट पे करते हैं, तो मतलब कि श्रद्धांजलि देंगे है किन्ना नू, ओडिशा दे किसे समय रहे चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक। इस टाइम कौन है वैसे ओडिशा दे चीफ मिनिस्टर? नवीन पटनायक, ठीक है। बीजू पटनायक जो है इन्होंने बीजू जनता दल की खोज की सी, फाउंडेशन किया सी। किसे जमाने दे विच बीजू जनता दल ते बीजेपी बड़ा अच्छा अलायंस हुंदा सीगा, ठीक है। लेकिन चलो वटैवर अलायंस हुण है नहीं है, लेकिन मेन चीज़ की हैगी है उन्हां दा 108वां बर्थ एनिवर्सरी, ते कल दे दिन इन्हां दी बर्थ एनिवर्सरी सी, ते प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ट्रिब्यूट्स पे करदे ओडिशा दे एक्स चीफ मिनिस्टर जिन्हां दा नाम सी बीजू पटनायक, ठीक है। तो फाउंडर किस चीज़ दे रहे है, ये बीजू जनता दल दे, ठीक है, इन्हां दी पार्टी दा नाम। नेक्स्ट, अगला न्यूज़ अपने को ले आंदा है कि यूनियन मिनिस्टर है स्टील ते सिविल एविएशन दे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। सिकिंदिया साहब ने वर्चुअली इनोग्रेट किया, यानी कि ऑनलाइन इनोग्रेशन होया हैगा, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे उत्ते होया है। किस चीज़ दा? इंडिया दा पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो कि स्टेनलेस सी स्टील सैक्टर के मामले दे विच आपां लगा रहे हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील केड़ा हुंदा है? जिहड़ा आपां अपने घरां च इस्तेमाल करते हैं, खाना खाण लगे जिहड़े बर्तन इस्तेमाल करते हैं, स्टेनलेस स्टील हुंदा हैगा, ठीक है। यानी कि वह उसके उत्ते स्टेन्स नहीं लगते, किसी भी चीज़ के आराम नाल साफ हो जाता है, तो उन्होंने आपां स्टेनलेस स्टील कहने हैं। हुण ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स तो अपने कोले काफ़ी खुल चुके हैं इंडिया के, लेकिन स्टेनलेस स्टील सैक्टर के आपां पहला ही खोलन जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने इनोग्रेट किया जा चुक्या है, हैगा कित्थे? है हिसार दे विच, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार, ठीक है, उत्थे इसनों इनोग्रेट किया गया है, ठीक है ना। अगला न्यूज़ अपने को ले आंदा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ते हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्हां दे कोले दो मंत्रालय हैगे है, नाम की है इन्हां दा? मनसुख मंडाविया, उस दिन भी आपां याद कीता सीगा, ठीक है ना। इन्हां ने तीन सेंटर्स इनोग्रेट किए हैगे है, किस चीज़ दे? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकैमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये की हुंदा है? एहो जा इंस्टीट्यूशन है जेड़ा कि पेट्रोकैमिकल जेड़े हुंदे है सबस्टांस, जिवें कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैसोलीन हो गया, कोल हो गया, ठीक है ना, एहो जी चीज़ा, बैनजीन बैनजीन जो भी आप बनाने, इनफैक्ट वैसलीन जैली हुंदी है ना, पेट्रोलीयम जैली, वह भी पेट्रोकैमिकल का हिस्सा है, ठीक है ना। तो वह पेट्रोकैमिकल जेड़े हैगे है उन्होंने इंजीनियरिंग ते टेक्नोलॉजी का जेड़ा सेंटर है वो वैसे अपने इंडिया दे विच है, लेकिन तीन होर जेड़े सेंटर्स हैगे आ ओह ओपन कर दिते गए है, ठीक है ना। तो ये सेंटर कितों ओपन किए हैगे आ जी? दिल्ली तो ओपन किए है, ठीक है ना। सो कित्थे कित्थे है ये सेंटर? हिमाचल प्रदेश, झारखंड ते मध्य प्रदेश दे विच जेड़े है इन्हां सेंटर्स नू लगाया जा रहा, हुण तक इत्थे नहीं सीगे तां नवें खोल दिते गए है, ठीक है ना। तो साइपेट लॉन्च किया हैगा अपने यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने, कित्थे कित्थे लॉन्च किया है? हिमाचल, झारखंड ते एमपी, मध्य प्रदेश दे विच, ठीक है ना, याद रखना है।
राइट चलिए अगे नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़ है अपने को ले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जेड़े है पूरे न्यू एरा दी जेड़ी फाउंडेशन रखन जा रहे हैगे है इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी सैक्टर दे विच हुण देखो न्यूक्लियर एनर्जी की हुंदी है परमाणु ऊर्जा है ना सो परमाणु ऊर्जा तो आपा की बना रहे हैगे आ आपा बिजली बनाउण दा जो काम करदे आ ना उस नूं आपा की कहने आ बिजली बनाउण दा जिहड़ा काम आपां कर रहे हैगे आ उहनूं आपां की कहने आ न्यूक्लीयर सैक्टर दी अपनी एनर्जी है ठीक है ना सो इहदे विच उह हाल ही दे विच विजिट कीते सीगे कलपक्कम तमिलनाडु जिथे अपना प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर हैगा यानी कि एक की हैगा अपने कोले न्यूक्लीयर रिएक्टर है ठीक है जिस दे विच की बनती है बिजली बनती है परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करके ठीक है ना हुण उहदे विच कोर लोडिंग जदों चल रही सी तां इस प्रोसैस नूं उहनां ने खुद उत्थे जाके विटनेस कीता इस करके थोड़ा जिहा न्यूज़ दे विच आ गया ठीक है तो ऐसा नहीं है कि इंडिया च पहली बार यह खुलन जा रहा है इंडिया च बहुत सारे अपने को न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं हाँ मोदी जी उत्थे चले गए इसलिए कलपक्कम वाला थोड़ा जा फेमस हो गया है ना तो कल नूं थानू ए भी पेपर च पूछा जा सकता है कि जेड़ा यह प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैगा यह कलपक्कम कित्थे हैगा ठीक है या तो कित्थे हैगा सीधा तो तुसी आंसर आऊगा या तो कलपक्कम या फिर तमिलनाडु ठीक है एक क्वेश्चन मैं थानू पूछन जा रही हूँ साइंस वालों जदों भी आप परमाणु ऊर्जा बनाने ता आपा केड़ा मतलब एलीमेंट यूज करते हैं कई बार क्वेश्चन आता है कि किस एलीमेंट नू तुसी फ्यूल दे तौर पे यूज कर रहे हो जदो तुसी परमाणु ऊर्जा बना रहे हो सोचो यूरेनियम बिल्कुल सही है यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं आपा ठीक है वैसे तो यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम जिन्ना जेड़ा मर्जी याद कर लो पर अपने इंडिया दे विच ना यूरेनियम नंबर 235 बहुत ज़्यादा मात्रा च अवेलेबल है फॉरेन कंट्रीज़ दे विच यूरेनियम 238 बहुत अवेलेबल है आपा 38 दा इस्तेमाल अगर करांगे कर सकते हैं वैसे नो प्रॉब्लम लेकिन करांगे तो आपां नूं एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करवाने पैणगे दूजे देशों तो लेना पऊगा यूरेनियम 235 तो अपनी मिट्टियां दे विच ही है अगर तुसीं तमिलनाडु केरल इन्हां दी मिट्टियां भी छान के देखोगे ना तो उहदे च भी बहुत ज़्यादा अमाउंट च यूरेनियम मिल जाएगा ठीक है ना सो जिहड़ी चीज़ अपने कोले अवेलेबल है ना आपां उसे चीज़ की हैल्प लैके बिजली बनाने हमेशा याद रखना साइंस एक इहो जिही ही चीज़ है जिसनूं आपां डिस्ट्रक्शन वास्ते भी वरत सकते हैं जिसनूं आपां डिवलपमेंट वास्ते भी वरत सकते हैं डिस्ट्रक्शन की सीगा न्यूक्लीयर परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करके एटम बॉम्ब बनाना एक डिस्ट्रक्शन का काम सीगा ठीक है ना लेकिन अच्छा काम की हैगा प्रोडक्टिव काम की हैगा कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करके आपां की कर रहे हैं बिजली बनाने का काम कर रहे हैं लोगों को बिजली दे रहे हैं जेड़े जेड़े एरिया च नहीं हैगी है ठीक है ना सो इसलिए परमाणु ऊर्जा का आपां इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट देखो अगला न्यूज़ है उत्तर प्रदेश दे विच जेड़ा है बड़ा ही अच्छा एक न्यूज़ आया कि इन्होंने बहुत ही वधिया माइलस्टोन अचीव किया है आयुष्मान भारत कार्ड इन्होंने 5 करोड़ लोगों नू दे चुके हैं जेड़ा कि कंट्री दे विच एकमात्र स्टेट है जिदे कोले इन्ने सारे मतलब इन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड दिते है ठीक है ना सो आयुष्मान भारत कार्ड का मतलब की है कि ये सारे जने आयुष्मान भारत योजना के अंडर काम कर रहे हैं है ना ये योजना की है ये अपने वर्ल्ड की सब तो वड्डी हेल्थ स्कीम है ठीक है ना सो तुसी भी अगर सुनिया होना या मे बी तुहाडे चो भी किसी फैमिली को ले होना है आयुष्मान भारत कार्ड होना है जिदे विच 5 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है तो आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल दे विच इलाज करवा सकते हाँ कोई भी टाइप का इलाज जिवें कि जेड़ा महंगा है जिदे विच सर्जरी होनी है हो जा कुछ होना है ना तो वह सारा जो है आप कित्थे करवा सकते हैं इस योजना के तहत सो प्रधानमंत्री मोदी जी की यह जी योजना है इन्नी सक्सैसफुल है कि फॉरन कंट्रीज़ वाले भी अपने तो पुछते हैं कि तुसी की स्ट्रैटेजी लगाई है सानू भी दसो असी भी जो है यहोजा कुछ इंप्लीमेंट करना है ठीक है ना सो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है जिदे विच उत्तर प्रदेश सब तो लीडिंग स्टेट बनी है अपनी कंट्री की जिन्हें आयुष्मान भारत कार्ड बहुत ज़्यादा जनता नूं दित्ते ते किन्नी संख्या होगी टोटल 5 करोड़ लोगों नूं इहे दे चुके हैं ठीक है ना तो सीधा ही सवाल आऊगा कि आयुष्मान भारत स्कीम दे विच टॉप कौन केड़ी स्टेट कर रही है आंसर इज यूपी ठीक है ना नेक्स्ट दसो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है मद्रास IIT मद्रास जेड़ा है इन्हां ने होस्ट किया ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट जिन्हों शॉर्ट दे विच आपां एयर्स कह रहे हैं ठीक है कदों तो कदों 4 तरीक तो लैके कल तक यह प्रोग्राम चलेगा 7 तरीक तक हुण समझ रहे हो कि इस पूरे प्रोग्राम का मतलब की है पूरे हिंदुस्तान तो जेड़े भी लोग रिसर्च कर रहे हैं वो सारे दे सारे स्कॉलर स्कॉलर केड़ा हुंदा जेड़ा बहुता पढ़िया लिखिया हुंदा हैगा है ना जेड़ा रिसर्च करदा जिदे कोले बहुत सारी डिग्रीज होण PhD लैवल तक पढ़िया होवे है ना सो एहो जा बंदा इन्ने सारे जेड़े भी रिसर्चर्स है उन्हां सारिआं दी मीटिंग कर रहे हैं इस मीटिंग नाल बेनीफिट की हो सकता है
हो सकता है किसी बंदे दे दिमाग च कोई इहो जिहा आइडिया आ जाए जो आइडिया अपने देश दे हित वास्ते होवे, आपां नूं तरक्की दे रस्ते ते लैके जावे, ठीक है ना। सो इस टाइप दे आइडियाज नूं देखदे होए जिहड़ा है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। क्लीयर होया सारिआं नूं? चलिए अगे नैक्सट देखो। सब इंस्पैक्टर सुमन कुमारी, वेरी वेरी फेमस न्यूज़, क्योंकि अगर विमेन तो कोई भी न्यूज़ अपने को ले आंदी है तो वैसे ही अपनी दुनिया च सब तो फेमस न्यूज़ हो जाती है। तो सब इंस्पैक्टर सुमन कुमारी जेड़ी है इन्होंने अपना नाम हिस्ट्री दे विच दर्ज करा लिया है, क्योंकि ये BSF दी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बन चुकी है। कौन बन चुकी है? पहली महिला स्नाइपर BSF दी, कौन? सुमन कुमारी, ठीक है ना। सो सब इंस्पैक्टर सुमन कुमारी का नाम आप याद रखांगे। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन थे। हुन तुहाडे कोले कुछ क्वेश्चंस हैगे है, ठीक है। हुन जिवें कि आपां एक दो दिन पहलां भी डिस्कस कर रहे सीगे कि स्पीकर साहब दी नियुक्ति हो चुकी है, प्रधानमंत्री दे केस च रौला जा पै रहा है, ते प्रेजिडेंट दे इलेक्शंस नूं हॉल्ट ते लगाउण वास्ते कोशिश कीती जा रही है पाकिस्तान दे विच, ठीक है। हुन आपां सारे जानदे आ कि जिहड़े इमरान खान है उन्हां ते तां घपले ही किन्ने सारिआं दे दोष लगे होए है, जिस दे करके हुन यूनैनिमसली जिहड़ा है पाकिस्तान दे 24वें प्राइम मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? शहबाज शरीफ। इन्हां दा दूजा टर्म है, पहली दफा ये 2022 दे विच एक बारी आए सीगे, ते उस तो बाद इन्हां नूं जिहड़ा हैगा रिमूव कीता गया सीगा, हुण दोबारा जिहड़ा है यह इस टर्म दे विच आ चुके हैं, ठीक है ना। तो शहबाज शरीफ सैकेंड टर्म जिहड़ा है 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने है। नैक्सट क्वेश्चन दसो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जिहड़े हुण आए हैगे आ क्लास लगाउण वास्ते। हाँ जी, इस क्वेश्चन दा आंसर देवांगे आपां सारे जने। विच सिटीज़ वर्ल्ड फेमस चांदी तराक्षी, चांदी तराक्षी, तराक्षी की हुंदी है, जिवें कि मैं तुहानूं दस दिंदी हाँ। देखो तराक, तरा की हुंदा, एक तरीके दे ने तारां हुंदियां ने, ठीक है, वायरस है, पतली पतली वायरस है, पतली पतली वायरस का इस्तेमाल करके जेड़ा है इन्हां नूं लपेट लपूट के तुसी कुछ ना कुछ बनाना है, ठीक है ना। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा आर्कीटेक्चर बनता है, कोई ज्वेलरी टाइप बनता है, कुछ भी बनता है, लेकिन तारा नूं लपेट लपेट के बनाया जाता है, ठीक है। तो कशी का मतलब हुंदा है बनाना, ठीक है, तो तारा का मतलब हुंदा है वायरस, तो वह वायर किस चीज़ की है? चांदी की है, सिल्वर की है, ठीक है। हुण अगर मैं थोनों एक ऑप्शन दिनी आ, एक हिंट दिनी आ, तो उहदे नाल शायद तुहाडा आंसर आ जाए। पूरे विश्व दे विच ए एहो जिहा शहर है जिहड़ा सिर्फ चांदी लई मन्निया जांदा है, इहनूं आपां सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया भी कहिंदे आ। किहड़ा है? नहीं, इट्स कटक। बिल्कुल कटक, ठीक है। कटक किथे है? कटक किथे है? हाँ, ओडिशा में। सो कटक ओडिशा दी जिहड़ी सिटी हैगी है, इहदे विच सब तो फेमस काम चलता हैगा चांदी तराक्षी का, जिसनों हाल ही दे विच GI टैग मिल चुकिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की पूछा गया सीगा, चांदी तराक्षी नू GI टैग मिलिया है, एक किस सिटी दे विच बनाया जाता है? आंसर इज कटक। हुण GI टैग की हुंदा है, आपां पास्ट दे विच कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इहनूं आपां जियोग्राफिकल इंडीकेशन कहिंदे आ, जोग्राफिकल इंडीकेशन। सिंपल भाषा दे विच अगर मैं दसना चाहूँ तो इहदा ए मतलब है कि एक जोग्राफी वाला एरिया है, मान लो इंडिया है, इंडिया दे विच इस जगह ते कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ओहो जा प्रोडक्ट पूरा इंडिया दे विच किते नहीं बन सकता, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट नूं आपां GI टैग दे सकते हैं। लेकिन उहदे लई ना थोनू अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करना पएगा, जिवें बंगाल का रसगुल्ला, रसगुल्ले तो सारे किते बनते हैं, लेकिन बंगाल का रसगुल्ला GI टैग लैके बैठा है, क्यों? क्योंकि उहदे वर्गी प्रोडक्ट, उहदे वर्गी क्वालिटी कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है ना। उस तरीके नाल पंजाब की फुलकारी, फुलकारियां तो होर भी स्टेट बनाती है, लेकिन पंजाब की फुलकारी वर्गी रीस थोड़ी ना कोई कर सकता है, ठीक है ना। सो इसलिए आपां GI टैग वास्ते रजिस्टर करना पैंदा है, ते रजिस्टर करवाण दा जिहड़ा डेटाबेस है ना वह चेन्नई दे विच है। तो चेन्नई तुसी जाओगे, जाके उत्थे रजिस्टर करोगे कि साडा ये प्रोडक्ट है, उत्थे दिखाओगे, उन्हां नूं पता लगेगा कि तुहाडे वर्गा प्रोडक्ट कोई भी नहीं बना सकता। सो इसलिए जिहड़ा हैगा ओहो की कहणगे, इत्थे तुहानूं रजिस्टर कर देंगे, ठीक है ना। सो इस पॉइंट नूं आपां याद रखांगे। तो सिटी ऑफ ओडिशा, सिटी है ओडिशा दी कटक। ओडिया भाषा दे विच तराक्षी दा मतलब हुंदा है दो वर्ड्स नूं कंबाइन करके, तारा मतलब वायर, ते काशी मतलब वर्कमैनशिप या फिर डिजाइन करना, ठीक है ना, कुछ बनाना, या फिर इसनों इंग्लिश दे विच फिलीगरी वर्क भी किया जाता है। फिलीगरी का मतलब यही होंगे तारा दे राही बन बन के कुछ बनाना, ठीक है। एंड कटक जेड़ी हैगी सिल्वर ज्वेलरी लई सिर्फ इंडिया दे विच ही नहीं, पूरे वर्ल्ड दे विच फेमस हैगी है, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन नूं याद रखना है।
ओके नेक्स्ट इज हुन कुछ छोटे मोटे सवाल आप याद करांगे व्हाट इज इंडिया सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया जिमें कि आप डिस्कस किया कटक ओडिशा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिंदा कौन है ए दिंदा है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड जो कि कमर्स मंत्रालय के अंडर अपनू आता है ठीक है ना जी आई टैग नू अगर ऑबटेन करना है तो अपने प्रोडक्ट लिए तो थोड़ा जी आई डेटाबेस से अप्लाई करना पेगा जोड़ा कि कितने है चेन्नई से यही तो आप डिस्कस किया हमने ठीक है ना सो एक्सट्रा क्वेश्चन से ओडिशा की राजधानी तो तुम सारे जानते हो भुवनेश्वर चीफ मिनिस्टर दे आप थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया नवीन पटनायक के गवर्नर कौन है रघुवीर दास है ठीक है नैक्सट क्वेश्चन देखो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही दे विच अप्रूवल दे दिता हैगा कि आपा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA नू बनावांगे ताकि आपा वाइल्ड लाइफ नू कंजर्व कर सकीए केड़ी टाइप दी वाइल्ड लाइफ इन्ना ईजी क्वेश्चन है ना तुसी कदे पढ़िया भी नहीं होना ता भी तुसी आंसर दे सकते हो कि बिग कैट्स की कैटेगरी च कौन है बिल्कुल लायन है टाइगर है लैपर्ड है स्नो लैपर्ड है चीता जैगुआर पूमा डियर नहीं हुंदा बेटा नहीं तो सी ऑप्शन भी आप लै लेंदे डियर नहीं हुंदा ठीक है ना सो आंसर की बनेगा एदा बोथ ए एंड बी ठीक है ना सो ये सारी बिग कैट्स हुंदियां ने बिग कैट्स का मतलब की है कि जेड़ी बिल्ली अपने घर पाई जाती है ना वो वड्डे आकार की क्योंकि जिन्हें भी आ शेर चीते तेंदुए हैगे है ना ये सब कैट फैमिली तो बिलोंग करते हैं ठीक है ना जिमें कि छिपकली है यार छिपकली है कैमलन है जिन्हों आप बोलते हैं गिरगिट बोलते हैं है ना गिरगिट हो गया कैमलन हो गया सब जी है क्रोकोडाइल फैमिली तो बिलोंग करती है सिमिलरली ये सारे भी कैट फैमिली तो बिलोंग करते हैं ठीक है बस जी घर डोमैसटिक कैट होंगी है वो वाली थोड़ी जी खूंखार घट होंगी है लड़ाकी जी घट होंगी है ये वाले कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होंगे है ठीक है ना हाँ जी की चीज़ कूगर कूगर भी बिग कैट्स के आता है लेकिन इतने कूगर नीम वो दिता हुआ इन्होंने इन्ह वास्ते ही किया हुआ है ठीक है ना नैक्सट देखो हूँ आप डिस्कस किया नरेंद्र मोदी जी ने इस अलायंस का जोड़ा मतलब अनाउंसमेंट है वह 9 अप्रैल 2023 ही कर दिता सो देखो एक मतलब डेढ़ साल ही लगा लो डेढ़ भी चलो एक लगा लो कोई गल नहीं है एक साल हो गया अप्रोक्सीमेटली तो एक साल बाद जोड़ा है इन्होंने कहा है कि आप जोड़ा है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर जा रहे हैं ठीक है तो लास्ट टाइम जदों ये सब कुछ होया सीगा तो 2023 की होया सीगा प्रोजेक्ट टाइगर दे 50 साल आप सैलीब्रेट किए हुन प्रोजेक्ट टाइगर आप कदों लगाया सीगा 9 अप्रैल 1973 ठीक है 1973 तो 1973 दे विच अपना प्रोजेक्ट टाइगर लगाया सी ताकि आप टाइगर्स नू सेव कर सकीए तो उसनू सेव करन पिछे आप जो ये दिन सैलीब्रेट करते हैं ये 50 साल पूरे हुए तो मोदी जी ने कहा कि आप बिग कैट का अलायंस करांगे हुण अगर तुसी क्वेश्चन नू ध्यान नाल पढ़िया है तो एक इंटरनेशनल अलायंस है एदा मतलब की हैगा कि बहुत सारे देश एदे च पार्टीसिपेट करनगे बिल्कुल 96 कंट्रीज पार्टीसिपेट करन नू तैयार है जिन्हां विचों 16 ने तो रैटिफिकेशन दे भी दित्ती है हौली हौली करके जदों रैटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप अपना अलायंस जिहड़ा हैगा उसनू तैयार कर देंगे ठीक है ना सो देखिए आप इत्थे पॉइंट लिखे है हैडक्वार्टर्स इंडिया च ही रहणगे कित्थे बनणगे हले डिस्कलोज नहीं किया गया हैगा 96 कंट्रीज पार्टीसिपेट करनगियां जिन्हां कोले इस तरीके दे बिग कैट्स पाए जांदे है सिर्फ उही कंट्रीज पार्टीसिपेट करनगियां ठीक है हुण चलदे आं आपां नैक्सट क्वेश्चन ते ए मैं थोनू कराया होया है एक दो दिन पहला न्यूज़ दे विच करवाया सीगा हाईलाइट्स दे विच सो देखो तुसीं आंसर दे पाओगे मैनूं पूरी उम्मीद हैगी है स्टेटस ऑफ लैपर्ड्स इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट लॉन्च हुई सीगी आप पढ़ी सीगी इनवायरमेंट मंत्रालय ने रिलीज़ की सी ओदे अकॉर्डिंग इंडिया दे विच लैपर्ड्स की संख्या किन्नी हो चुकी है हाँ सारे लैपर्ड्स मिला के पूरे स्टेटस ऑफ लैपर्ड किन्ना हो चुकिया है नहीं इट्स 13,874 इन्ने लैपर्ड्स अपने इंडिया च हो चुके हैं वेरी गुड आरती सही आंसर आया थोड़ा बिल्कुल ए ऑप्शन 13,874 ते इस स्टेटस नू इस रिपोर्ट नू लॉन्च किया गया सीगा फैबररी दे विच रिलीज़ हुई सी मंत्रालय इनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है जिहदे मंत्री कौन हैगे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव है ठीक है अगला पॉइंट है अपने कोले सेम क्वेश्चन नाल रिलेटेड है हुण तुसी ये दसना क्योंकि ये भी मैं करवाया हैगा सी तुहानू अज तो 2-3 दिन पहला सो देखो तुसी अगर आंसर कर सकते हो तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दी जिहड़ी आ रिपोर्ट हैगी है किस स्टेट कोले सब तो ज़्यादा लैपर्ड्स पाए गए है ध्यान नाल पढ़ो कीता होया क्वेश्चन है
मध्य प्रदेश एग्जैक्टली एमपी। देखो बेटा एमपी सिर्फ लैपर्ड्स दे विच ही लीड नहीं कर रहा, ठीक है, यह टाइगर्स की जनसंख्या दे विच भी लीड करता है। सो अगर थोनू पूछा जाए ना टाइगर या लैपर्ड्स दे विच सब तो ज़्यादा हाईएस्ट नंबर किस स्टेट को ले है, तो आंसर इज मध्य प्रदेश को ले है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सो देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स एज ऑफ 2022 मध्य प्रदेश जेड़ा कि 785 है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ लैपर्ड्स इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किन्ने हैं 3907, ठीक है ना। उस दिन भी आप संख्या लिखी सी, राइट, क्लीयर है। चलो अगला सवाल दसो फिर। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही दे विच मरीन स्पीशीज, मरीन मतलब होंदी है जिहड़ी पानी च पाई जाती है, समुद्रा च पाई जाती है, ठीक है, एक एहो जी जो प्रजाति है उन्हें डिस्कवर किया, तो उहदा नाम इंडिया के प्रेजीडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के नाम के उत्ते रख दिता, ठीक है ना। आप फेमस हस्तियों के नाम से कई चीज़ों का नाम रख दें, ठीक है, तो एक पानी च पाई जाने वाली प्रजाति है, हुण तुसीं ये दसना कि नाम की रख्या गया। तिन्ने ऑप्शंस दे विच मुर्मू या द्रौपदी शब्द आ रहा हैगा, सो काइंडली कोशिश करो बच्चे आंसर दे सकन ऑनलाइन। आरती, नीरज, मनजीत, मेहरा साहब, ट्विंकल, हाँ जी, तुक्का नहीं लगाना, इहदे च आंसर आ रहा किसे दा? ओके, इट इज आंसर इज सी ऑप्शन, मेलानो कलैमिस द्रौपदी, ठीक है। ये पानी दे विच पाया जाने वाला एक जीव है, हुंदा ये कछुए वर्गा ही है, लेकिन उन्ने वड्डे आकार का नहीं हुंदा, बहुत छोटा जा हुंदा है, एदा भी कछुए वांगू शैल जा हुंदा हैगा, लेकिन प्रॉपरली इनू आप टर्टल नहीं कह सकते, प्रॉपरली कछुआ नहीं कह सकते, क्योंकि इहदा साइज एक्सट्रीमली स्मॉल हुंदा है, तो उस तो उपर इहदा साइज वधदा भी कदे नहीं हैगा। सो टर्टल्स तो ग्रो करते हैं ना, कछुए तो ग्रो करते, उन्हों का साइज तो वड्डा हुंदा जांदा है, लेकिन इहदा साइज ना इन्ना जा ही रहिंदा हैगा, ठीक है ना। सो पानी दे विच पाया जाने वाला जीव हैगा जिहदा नाम रख्या है मेलानो कैमिस द्रौपदी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर अगर आप गल करिए कि ये जो जानवर है, जो जीव है, ये आपू ज़्यादातर किस एरियाज दे विच मिल सकता है, फिलहाल तो अगर आप गल की जितों आप लभ्या तो उड़ीसा तो आप लभ्या है, तो वैसट बेंगोल तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच भी पाया जाता है, मतलब वैसट बेंगोल दे विच भी तुहानू मिल रहा, दिघा दे विच, उड़ीसा दे उदयपुर दे विच भी मिल रहा है, ठीक है। वैसे भी द्रौपदी मुर्मू का जो बेस स्टेट है वह वैसे भी उड़ीसा ही है ना, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये पूछा कि यह मेलानो कलैमिस जिहड़ा हैगा ये कित्थे पाया जाता है, तो यह टैंपरेट रीजनस दे विच पाया जाता है, तो टैंपरेट रीजन वह हुंदे है जिन्हां दे विच टैंपरेचर ना तो बहुता ज़्यादा हुंदा है ना ही काफ़ी घट हुंदा है, ठीक ठीक हुंदा है, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ करके दिखानी हूँ थानू टैंपरेट रीजन की हुंदा है। ये अपनी धरती है, ये धरती की भूमत रेखा है, इक्वेटर है, इत्थे अपने कोले कर्क रेखा हुंदी है, इत्थे अपने कोले मकर रेखा हुंदी है, ए हुंदा है आर्कटिक सर्कल, ए हुंदा है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। आ 0 डिग्री ते हुंदा है अपने कोले, आ 23.5 डिग्री ते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आ ट्रॉपिक ऑफ कैपरीकॉर्न, ए हुंदा है आर्कटिक सर्कल, ए हुंदा है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। सो जेड़ा एरिया ए वाला हुंदा है ना, हमेशा इन्हां वाले एरियाज़ नूं आपां हमेशा टैंपरेट एरिया कहने आ, ठीक है, क्योंकि इत्थे ना तो ज़्यादा सर्दी पैंदी है ना ज़्यादा गर्मी पैंदी है। अगर तुसीं ध्यान नाल कदे देखो तो इंडिया अद्धा उपर आंदा है ते अद्धा थल्ले आंदा है, साउथ इंडिया च ठंड गर्मी ज़्यादा पैनी चाहिए क्योंकि इस इलाके नूं सब तो ज़्यादा गर्म इलाका मन्या जाता है, ते नॉर्थ इंडिया दे विच ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पैंदी है ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी पैंदी है। आपां हाई तौबा तां मचा लैंदे आ, हुण जून जुलाई आऊगा तां पसीने छुट्टे होणगे सारिआं दे, गर्मी पिछे सर्दियां पिछे बड़ी हाय हाय कीती, लेकिन एक्चुअली च इन्नी सर्दी ते इन्नी गर्मी तां अपने देश च पैंदी नहीं। इन्हां नूं पुछो जिहड़े इधरले पासे रह रहे हैगे आ अफरीका वर्गी कंट्रीज़ की गर्मी की चीज़ हुंदी है, ठीक है ना। तो एक सवाल छोटा जा है कि साउथ इंडिया जेड़ा है वो एहो जे जोन दे विच हैगा जिथे बहुत ज़्यादा ठंड गर्मी पै रही है, स्टिल अगर मैं टैंपरेचर नूं देखा तो नॉर्थ का टैंपरेचर ज़्यादा गर्म हुंदा है, साउथ का घट गर्म हुंदा है, मतलब साउथ दे विच गर्मियां का टैंपरेचर मैक्सीमम 25 तो लैके 30 तक पहुँचता है, जबकि नॉर्थ दे विच 50 डिग्री। क्यों? ह्यूमिडिटी ज़्यादा है क्योंकि इधर समुद्र है जी, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, हिंद महासागर है, जिन्नी ज़्यादा गर्मी पेगी उन्ना पानी भाफ बन के उड़ेगा, जिन्ना पानी भाफ बन के उड़ेगा उन्नी ही बरसात होगी। सो बरसात करके ए वाला एरिया ठंडा ही रहता है, कि कदों मर्जी बरसात साउथ इंडिया से शुरू हो जाती है,
ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਟ ਰੀਜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ 'ਚ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਏ ਨੈਕਸਟ। ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 1916, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 16 ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬ? ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਹੈ? ਦੁਆਬ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਕੁਇਕਲੀ ਆਨਸਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਡੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਡੇ, ਸਿਵਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? 1 ਮਾਰਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਓਨਰਿੰਗ ਹੀਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਹਾਂਸਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕਿੱਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਕੌਣ ਮਨਾਉਂਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਫੋਰ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਸਤੀਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ NPT, ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ। USA, ਚਾਈਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ USA ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਾਲਦੀਵਸ, ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਫੋਰ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਵੀਕ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਕ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ। 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਕਟੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਐਂਟੋਨੀਓ ਗਿਊਟਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਣੀ ਸੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈਨ ਟਾਈ ਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਨ ਟਾਈ ਸੋ ਹੈ।
नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सी ग्रास डे कदों सेलिब्रेट करते हैं आपां? सी ग्रास डे, सी ग्रास की हुंदी है? ए ओ वाली घा हुंदी है एक तरीके दी, जो पानी दे विच ही उगदी है, जिसनूं आपां सी ग्रास कहने हैं। ठीक है, सी ग्रास दे बहुत बेनीफिट्स हैगे आपां सारयां नूं, जिवें एंटी ऑक्सीडेंट दवाइयां दे विच इहदा इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स दे विच इहदा इस्तेमाल किया जाता है। तो सी ग्रास जिहड़ी है उहनूं कंजर्व करना भी अपने लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ इस्तेमाल ही ना करिए आपां उहनूं दुबारा दुबारा जिहड़ा हैगा डिवलप भी करिए। इहदे लई सिर्फ इको ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, पानी दे विच चीज़ां अपने आप उगदियां, आपां नूं जाके उगाउण दी जरूरत नहीं है। बस फर्क सिर्फ आपा ये कर सकते हैं कि पानी नूं आपा साफ रखिए, शुद्ध रखिए, पोल्यूशन फ्री रखिए, ताकि सी ग्रास अपना ग्रो कर सके। ठीक है, तो यह दिन भी आपा 1 मार्च नूं सैलीब्रेट करते हाँ। ठीक है ना, तो 1 मार्च नूं ही आपा इस दिन नूं मनाने हैं। तो अगेन कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशंस सैलीब्रेट करता है। तो 2022 तो ही इसने मनाना शुरू किया, तो ज़्यादा दूर का कंसैप्ट नहीं है, बहुत ही नेड़े का कंसैप्ट हैगा। तो ये वह प्लांट्स हैगे जिहड़े कि मरीन इनवायरमेंट्स यानी कि पानी दे विच उगते हैं। इंडिया च यह किस किस एरिया च पाए जाएंगे, जिमें कि गल्फ ऑफ मन्नार हैगा, गल्फ ऑफ कच्छ है, चिलिका लेक है, तो अंडेमान निकोबार ते लक्षद्वीप के आसे पासे दे एरियाज दे विच। ठीक है ना, सो अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, आ श्रीलंका है, इस एरिया नू गल्फ ऑफ मन्नार किया जाता हैगा। ठीक है, इधरले एरिया नू जेड़ा कि इहदे नाल है, गुजरात दे नाल है, ये गल्फ ऑफ कच्छ वाला एरिया है। चिलिका लेक ओडिशा दे विच है, तो आप इत्थे ड्रॉ कर सकते हैं। अंडेमान एंड निकोबार इत्थे हैगा, तो लक्षद्वीप अपने इत्थे टापू अवेलेबल है। तो इन्हां सारियां दे पानियां दे विच आपां नू सी ग्रास मिलती है। ठीक है जी, क्लीयर है। नैक्सट चलो अगले क्वेश्चन दे उत्ते। अपने सिखिज़म दे विच देखो 5 तख्त हैगे है ना, उन्हां विचों किन्ने तख्त पंजाब दे विच है? 3। केड़े केड़े? बिल्कुल, दमदमा साहिब ते केशगढ़ साहिब है ना। तो 5 तख्त हैगे सिखिज़म दे विच। पहले तख्त साहिब सब तो पुराने जिहड़े हैगे अपने, अकाल तख्त साहिब हैगे है। कित्थे है अकाल तख्त साहिब? अमृतसर दे विच है ना। ठीक है, दूजे अगर आप याद करिए तो अपने को दमदमा साहिब, दमदमा साहिब कित्थे है? तलवंडी साबो। ठीक है, तलवंडी। अगर तीजी गल करिए, कित्थे गया, चलो अगर तीसरी गल अगर आप करिए तो अपने को केशगढ़ साहिब, तख्त श्री केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब दे विच है ना। सो इस तो आपां नूं की पता लग गया कि 3 तां अपने पंजाब दे विच है, बाकी 2 किहड़े रह गए जी? तख्त श्री पटना साहिब ते हजूर साहिब। ठीक है ना, सो पटना साहिब बिहार दे विच ही है ते हजूर साहिब महाराष्ट्र दे विच है, नदेड़ महाराष्ट्र। ठीक है ना, सो ये 5 तख्त अपने सिखिज़म दे, सो आंसर की बनिया जी? 3। नैक्सट क्वेश्चन दसो जल्दी जल्दी। ये मैच द फॉलोइंग है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तुसी तुहानू कोई एक भी मालूम होवे ना तो उहदे नाल ही तुसी लिंक बना सकते हो। काइंडली मैच द फॉलोइंग द क्वेश्चन, कोई भी बच्चा छड़ के नहीं जाएगा, बहुत सौखे क्वेश्चन होंगे है। सो देखो की आंसर बनता है। ठीक है, पहला मैं थोनों ऑप्शन पढ़ने दस दिनी हाँ। ऑप्शन दे विच जिवें देखो 1 दे नाल बी लग्या है, ता मतलब 1 दी मैचिंग बी नाल होवे, एहो जा कुछ दिता हुंदा। ठीक है ना, सो ये करैक्ट मैचिंग नहीं दस रही हाँ मैं, लेकिन ये मैचिंग इस तरीके नाल हुंदी है वो दस रही हाँ। सो काइंडली आंसर देने की कोशिश करो कि की आंसर बनेगा, सोचो की बनावांगे आपां। जिहड़े बच्चे ऑनलाइन है बेटा ध्यान दो, छेती छेती बनाओ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, थानू एक भी गुरु साहिबान दे कंटेंपरेरी रूलर्स पता है गया, तो तुसी बना सकते हो। दसो देखो, एक चीज़ तो आप सारे बहुत चंगी तरह जानते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी एक गुरु साहिब जी का पॉइंट देखिए, तो गुरु हरकृष्ण जी जो सीगे उन्हां दे समय कौन सीगा? औरंगजेब सीगा ना, क्योंकि हरकृष्ण जी नूं औरंगजेब ने सम्मन किया सीगा दिल्ली दे विच, जिथे लोगों की सेवा करते करते जिहड़े चिकन पॉक्स तो ग्रस्त सी, उत्थे गुरु जी ने अपनी जान गवा दित्ती। तां हरकृष्ण जी कित्थों किहदे नाल रिलेटिड हैगे आ जी? औरंगजेब नाल, यानी कि 3 नंबर डी नाल रिलेटिड है। हुण 3 नंबर अगर डी नाल रिलेटिड होवे तां इक तां आ ऑप्शन पिया, तो एक आ ऑप्शन पिया,
है ना। सो हुन अगला देखो अपने कोले, गुरु अंगद देव जी बारे आपा पढ़िया होया है कि अंगद देव जी दे समय अपने देश दे विच हुमायूं हुंदा सी, हुमायूं नू शेरशाह सूरी ने हरा दिता, भजा दिता, शेरशाह सूरी दा राज हो गया। शेरशाह सूरी तो बाद ओदा बेटा इस्लाम शाह सूरी राजगद्दी ते बैठा सीगा, है ना। तो मतलब अंगद देव जी की मैचिंग जिहड़ी है ए ऑप्शन नाल होगी, यानी कि 4 की बनूगा, ए दे नाल बनूगा, आ रहा हैगा अपने कोले, ठीक है। फिर भी कन्फर्म कर लो, फस्ट जिहड़े है गुरु रामदास जी जिहड़े है किन्ना दे समय दे विच होया करदे सी, अकबर दे समय च पता ही आपां नूं क्योंकि गुरु रामदास जी नूं ते बीबी जिहड़े अपने हैगे आ माता किहड़े सीगे, बीबी भानी जी, हाँ बीबी भानी जी नूं ते गुरु रामदास जी नूं उन्हां ने लैंड डोनेट कीता सी जिथे अज अमृतसर साहिब बनिया होया है अपने कोले, ठीक है ना। सो अगर रिलेट करके चलीए तो रामदास जी दे समय कौन सीगा अकबर, तो फस्ट दे नाल बी है, सैकेंड किहड़े रह गए अपने कोले, गुरु हरगोबिंद जी, तो उन्हां दे नाल आपां किन्हां नूं रिलेट करांगे, जहांगीर ते शाहजहान नूं, ठीक है ना, क्योंकि जहांगीर दे नाल उन्हां दे युद्ध होए सी ते जदों उन्हां नूं ग्वालियर दे किले च कैद कर लिया गया सीगा तां उन्हां दी जो मुक्ति कराई गई सी उह किन्हां दे द्वारा कराई गई सी, शाहजहान, क्योंकि शाहजहान कहिंदा सीगा कि मेरे बापू ने अरेस्ट तां कर लिया लेकिन कोई रीज़न ही नहीं सीगा अरेस्ट करन दा, कोई गुनाह ही इन्हां दा साबित नहीं हुंदा तां मैं इन्हां नूं कीवें कैप्टिव रख सकदा, तां शाहजहान ने उन्हां नूं रिलीज़ कीता सी, ठीक है ना। सो इस करके अपने हरगोबिंद जी बाबा बंदी छोड़ भी बने, ठीक है ना। तो आंसर की बन गया, सारे नूं समझ आ गया ना, इहदा डी ऑप्शन आपां आंसर बनावांगे। अगले क्वेश्चन दा आंसर दो काइंडली प्लीज़, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैगा। इन्हां विचों करैक्ट स्टेटमेंट केड़ी है दसो, डी ऑप्शन बन रहा, बन रहा सारिआं दा, ठीक है, बिल्कुल सही है। पंजाब तो 13 सीटां अपनियां लोकसभा दे विच है, 7 सीटां अपनी राज्यसभा दे विच है ते 117 सीट अपनी विधानसभा च है ना। हुण 117 इत्थे भी लिख्या, इत्थे भी लिख्या हैगा, लेकिन एक पंगा है कि इत्थे बाई कैमरल लिख्या हैगा ते इत्थे इन्हां चीज़ां च गड़बड़ हो गई। यूनी कैमरल, यूनी कैमरल दा मतलब है जिथे इको ही हाउस हुंदा है, एक ही सदन हुंदा है, ठीक है ना। तो अपने पंजाब दे विच कल्ली विधानसभा या विधान परिषद तो है ही नहीं, सो इसलिए अपना कहो जा है यूनी कैमरल। सो आंसर की बनता है इहदा डी ऑप्शन, ठीक है ना। नैक्सट देखो, अगला क्वेश्चन आंसर करो जल्दी, ए वी मैच द फॉलोइंग है, गुरु साहिब ते उन्हां दे जिहड़े वाइफ है उन्हां नाल जोड़ना है, बहुत ईजी है, अगर थोनों एक या दो भी पता है तो तुसी आराम नाल आंसर कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं गुरु तेग बहादुर जी नूं जोड़ के देखदी हाँ तो माता गुजरी जी उन्हां दे वाइफ सीगी, यानी कि थर्ड जिहड़ा है डी दे नाल मिलता है। पुत्तर इक्को ही ऑप्शन है सिर्फ, ठीक है ना, इक्को ही ऑप्शन है जिस दे विच ये काम हो रहा हैगा। सो ये पेपर दे विच ना ये क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, बस इन्हां नूं छड़ना नहीं है, तुसी किसी भी हालत अटैम्प्ट करके देखो, ये नहीं सोचना कि लंबा पै जूगा, टाइम वेस्ट होगा, टाइम नहीं वेस्ट होएगा, तुहाडा इक ते भी आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। सो आंसर की बनता है अपने कोले सी ऑप्शन। नैक्सट दसो, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जेड़ा है, वैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया नहीं बेटा पंजाब आना चाहिदा सीगा, एक्चुअली ये मैं एज इट इज़ तां करके पा दिता क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर दे विच पास्ट दे विच आया होया है, ठीक है ना। सो लुधियाना नू मैनचेस्टर ऑफ पंजाब किया जाता है, क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल सही है। मैनचेस्टर की है, मैनचेस्टर लंडन दे विच चलन वाली एक कपड़े दी मिल है, मैनचेस्टर वैसे जगह दा नाम है, उसे जगह दे नाम दे उत्ते टेक्सटाइल मिल चलती है, ठीक है ना। तो उस टेक्सटाइल मिल दे अंदर बहुत अच्छा कपड़ा बनया, सिमिलरली उन्ना ही अच्छी क्वालिटी दा कपड़ा अपने इंडिया च जिथे जिथे बनता है आपां उन्नू मैनचेस्टर कह दिंदे आ, जिवें कि अहमदाबाद च बनता है तो अहमदाबाद नू भी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, साउथ इंडिया दे विच कोयंबटूर दे विच बनता है तो कोयंबटूर नू मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया आपां कह दिंदे आ, पंजाब दे विच जेड़ा हैगा लुधियाना दे विच बनता है, इस करके लुधियाना की है अपना मैनचेस्टर ऑफ पंजाब है, ठीक है ना, क्लीयर होया। सो आंसर इज बी ऑप्शन, आ रहे सारिआं दे, ग्रेट। नैक्सट क्वेश्चन दसो, इंडिया का पहला सोलर पावर प्लांट, थोड़ा जा पुराना क्वेश्चन है क्योंकि पुराने पेपर च आया सी, ऑलरेडी बन गया है, 2009 च बनया सीगा। सो उस टाइम दे पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा गया सी, किथे भारत का पहला सोलर पावर प्लांट आपा अपने पंजाब च लगवाया है, किथे जी? अमृतसर, इट्स अमृतसर, ठीक है। सो भारत का पहला सोलर पावर प्लांट बठिंडे च तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कितने लग्या सीगा अपना पहली दफा अमृतसर विच लग्या सी, 2009 दी गल है, उदों दे न्यूज़पेपर च आया सीगा, सो इस करके जेड़ा है उस टाइम दे क्वेश्चन नू चक के पाया गया सीगा, ठीक है ना।
मनजीत सिंह जी किस चीज का मतलब पूछ रहे हो बेटा तुसी? सोलर पावर प्लांट दा, सोलर पावर प्लांट दा मतलब ए हुंदा है कि आपा सूरज तो ऊर्जा लेके बिजली बनानी है, ठीक है। पावर प्लांट दा मतलब हुंदा है बिजली बनानी, सूर्य दी ऊर्जा दा मतलब हुंदा है सोलर पावर प्लांट, ठीक है ना बेटा, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन दसो, पहले पंजाबी पोएट जिन्ना ने ह्यूमन रिलेशनशिप हसबेंड ते वाइफ दा अपने परमात्मा नाल इस्तेमाल कीता होवे। हिंट दिन्नी आ, कागा सब तन खाइयो मोरो चुन चुन खाइयो मास, दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस, है ना। कौन कहंदे सी? बाबा फरीद जी, बिल्कुल सही है। बाबा फरीद जी दी जिन्नियां भी तुसी पोयम्स पढ़ोगे सारियां दे विच जेड़ा पिया शब्द है, आपा कीनू कहने हैं पिया, लवर नू। ए अपने लवर किसनू मनते हैं कि अपने भगवान नू मनते हैं, ठीक है ना। सो आंसर इज शेख फरीदुद्दीन गजशकर बाबा फरीद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दसो, बहुत ही सिंपल है जनाब, जदों पैप्सू बनिया सी इन्हां चों किहड़ा हिस्सा पैप्सू च नहीं सीगा? फिरोजपुर, एग्जैक्टली, क्योंकि अठ रियासती राज्यों चों कदे भी आपा फिरोजपुर नू पढ़िया ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट दसो, पंजाब दा फॉरेस्ट एरिया किन्ना है? वैसे 6.8% है, लेकिन चलो अगर आप ऑप्शन दे अकॉर्डिंग चलिए तो राउंड फिगर करके 7% कह सकते हैं, सो आंसर विल बी 7%, ठीक है। नेक्स्ट दसो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, पहली आईपीएस ऑफिसर अपने पंजाब दी, लेडी आईपीएस ऑफिसर, बिल्कुल जी, किरण बेदी जी, ठीक है। नेक्स्ट दसो, गुरुद्वारा जिथे अपने गुरु हर कृष्ण जी ने अपने आखिरी सांस ले सी, उत्थे गुरुद्वारा बनया होया है, भाई बघेल सिंह जी ने बनवाया सीगा, किथे जी? बिल्कुल, गुरुद्वारा बंगला साहिब, ठीक है ना, गुड। पहले इत्थे राजा जय सिंह का महल होया करता सीगा, ठीक है, उन्होंने कहानी आपा पंजाब जी के च पढ़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दसो, प्रोफेसर मोहन सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल कल्चरल मेला कित्थे हुंदा है? क्योंकि बेटा ये करंट अफेयर च है, हर साल हुंदा है, 2023 दे विच होके हटिया सी, 24 च हले होएगा, 2023 च 45th एडिशन होया इस मेले का, कित्थे हुंदा है? लुधियाना के जलंधर? जलंधर, ये हुंदा है जलंधर, ठीक है। नेक्स्ट दसो, हाँ जी, बहुत सिंपल है, ए वी क्वेश्चन मैच करो। हुण इत्थे ना कोड मैं इत्थे लिख दिन्नी आ, ए बी सी डी, हुण मैचिंग करनी है, ए दे नाल किस दी मैचिंग, बी दे नाल, बहुत सिंपल है ना। हाँ, सामने आंसर पिया तुहाडे कोले, तलवंडी साबो इज दमदमा साहिब, ठीक है ना, मुक्तसर साहिब, खिदराणा, आनंदपुर साहिब, मखोवाल या फिर चक नानकी, ठीक है ना, ते अमृतसर साहिब, रामदासपुर। तब पहला चौथे नाल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बी ते सी च, मुक्तसर साहिब। दूसरा किदे नाल बन रहा है अपने कोले? पहले नाल, दूसरा पहले नाल, आ भी सेम ऑप्शन आ गया, आनंदपुर साहिब, तीसरा आ वाला, आंसर की बने अपने कोले बी, ऑप्शन बी बन रहा ना, आनंदपुर साहिब नू मखोवाल नाल, नहीं दो, सी बनेगा, सी बनेगा, दो नाल मैच किता, सी बनेगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन दसो, पंजाब शब्द केड़ी भाषा चो लिया आपां? बहुत ही सिंपल है, पर्शियन यानी के फारसी चो लिया आपां। अगला दसो, पंजाब दा मीनिंग की हुंदा है? लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, ठीक है ना, ये भी सारियां नू पता है। अगला दसो, राज्यसभा अपने, देखो मैं थोनू की पढ़ानी हुन्नी आ, एक सेंटर पढ़ानी हुन्नी आ, एक स्टेट पढ़ानी हुन्नी आ पॉलिटी च, है ना। मैं हमेशा दसदी हाँ कि सेंटर च अगर राज्यसभा है तो स्टेट च उहदे वर्गी की है? विधान परिषद। हालांकि राज्यसभा पूरे इंडिया दे विच हैगी है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यां दे विच है, ठीक है ना। सो एक डिफरेंस दसना है तुसी विधान परिषद ते राज्यसभा दे विच, दसो जी दसो। विधान परिषद ते राज्यसभा च एक बहुत वड्डा डिफरेंस है, एग्जैक्टली, ठीक है। देखो दोने थावां ते, सुन लो, दोने थावां ते इनडायरेक्ट इलेक्शन हुंदे है ना, क्योंकि आपा पार्टिसिपेट नहीं करते, राज्यसभा दे जदों चोण हुंदे आपां नूं नहीं बुलांदे, विधान परिषद च तां खैर आपां नूं बुलाना ही नहीं, अपने पंजाब कोले है ही नहीं विधान परिषद, ठीक है ना। सो इनडायरेक्ट इलेक्शन इन्हां दे हुंदे है, मेंबर्स भी नॉमीनेट हुंदे है। कल दी क्लास च तुसी कीता सी 12 मेंबर इत्थे नॉमीनेट हुंदे है, ते जिहड़े भी राज्य दे विच विधान परिषद है 1/6 मेंबर नॉमीनेट हुंदे हैगे आ, इह पढ़िया सी आपां, ठीक है। मेंबरशिप दा टेन्योर भी दोनों दा बराबर है, ए भी 6 साल रहिंदे है मेंबर, ए भी 6 साल रहिंदे है। एक चीज़ दा फर्क है, पावर ऑफ इंपीचमेंट, यानी के राष्ट्रपति दे उत्ते या देश दे जिहड़े जज हैगे है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दे, उन्हां दे उत्ते महादोष लगान दा कम
केवल पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट को ले है पावर नहीं है। तब पावर ऑफ इंपीचमेंट केवल राज्यसभा को ले है, विधान परिषद को ले नहीं है। बाकी सब चीजा च सिमिलर सी, इको ही थां ते डिफरेंट सी, ठीक है ना। सो हुन सही आ रहा मेहरा साहब आंसर अपना, आंसर इज ए ऑप्शन, वेरी गुड। नैक्सट दसो, स्लेव डायनेस्टी दे पहले शासक कौन सीगे? गुलाम वंश तुसी पढ़िया हो ना कदे अपनी जिंदगी दे विच कि गुलाम वंश शुरू होया सी। कुतुबद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही है, एदा आंसर कुतुबद्दीन ऐबक रहेगा। ओहो हो, कुतुब अल लिखा होया है, इट्स कुतुबद्दीन ऐबक, ठीक है। ये पहला सुल्तान सी जिन्हें दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, ते दिल्ली सल्तनत की शुरुआत ही गुलाम वंश तो हुई सी, ठीक है। ये आपां मेडिवल हिस्ट्री दे विच पढ़ते होंने। नैक्सट दसो, इन्हां विचों केड़ा एसिड है जेड़ा प्रिकली हीट पाउडर्स दे विच इस्तेमाल हुंदा है ताकि स्वैटिंग नूं रोकिया जा सके। हुण प्रिकली हीट पाउडर केड़े हुंदे है? तुसी देखदे होंगे गर्मियां च पित्त निकल जांदी है, है ना, तां उहनां दे उत्ते पाउण वास्ते बहुत सारे पाउडर आंदे ना बाजार च, डर्मीकूल, नाइसिल, नवरतन, छोटा एसी, शाहरुख खान ऐड करदा हुंदा है ना। सो उहनां पाउडर्स दे विच इहो जिहा केड़ा एसिड हुंदा है जेड़ा आपां नूं ठंडक प्रदान करेगा? सोचो, जिन्ना दी केमिस्ट्री होई पई है उन्होंने तो मैं कराया होया है सवाल, तो ऑनलाइन जेडे बच्चे बैठे हो तो आराम नाल आंसर दे सकते हैं। सही जा रहे हो, एदा आंसर आऊगा सी, इट इज बोरिक एसिड, ठीक है ना। तो बोरिक एसिड पाया जाता है जिन्हें भी घमोरिया वाले या फिर पित्त निकल जाती हैगी है प्रिकली हीट पाउडर्स दे विच, ठीक है ना। तो आप ठंडा ठंडा ये एग्जाम्पल लिख लियो ताकि थोड़ा याद रहे, जिमें कि नाइसिल वगैरह हो गया, डर्मीकूल हो गया, ठीक है यहो जे। नैक्सट, राज्यसभा नू किन्ने समय बाद भंग किया जाता है यानी कि डिजोल्व किया जाता है? आंसर देना सारिया ने, की आंसर बनिया? बिल्कुल, एदा आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। रीजन की है कि राज्यसभा कदों डिजोल्व होंदी है, क्वेश्चन जान के कंफ्यूज करने लिए पाया गया है। राज्यसभा जेड़ी है कदे डिजोल्व ही नहीं होंदी, भंग ही नहीं कर सकते इस हाउस में, तो परमानेंट हाउस है। भंग केड़ा हाउस हुंदा है? छोटा हाउस, ठीक है। सेंटर च लोकसभा, स्टेट विच विधानसभा जेड़ी है भंग हुंदी है, ठीक है ना। क्लियर होया? सो आंसर आऊगा इहदा डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। अगला दसो, अगर दोने हाउसिस दी, दोने सदना दी ज्वाइंट सिटिंग करानी होवे तो कौन करांदा है? बिल्कुल सही है, सिर्फ ते सिर्फ प्रेजीडेंट नूं ही अधिकार है, ठीक है, कि आप की कर सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। अच्छा एक गल दसो, ज्वाइंट सिटिंग क्यों बुलाई जाएगी? ओदे किते सी ना आपा सवाल बहुत सारे हैं, तो अपनी जिहड़ी आ वाली सीरीज चल रही है उस च भी मैं सवाल कराया सीगा कि ज्वाइंट सिटिंग उदों हुंदी है जदों कोई भी बिल पेंडिंग हुंदा है किसी भी एक हाउस दे विच, ते अगर राष्ट्रपति नूं लगदा है कि इंपोर्टेंट है बिल तो उन्हां दी सांझी बैठक करवा दिंदा है। इहो जी बैठक किहड़े हाउस च हुंदी है? लोकसभा च। ता अफसर कौन होगा जेड़ा प्रिजाइडिंग ऑफिसर? स्पीकर ऑफ लोकसभा। पढ़े सी ना सारे पॉइंट, बस आ रिपीट ही होया, चलो चंगी गल है। एक होर क्वेश्चन दस दो जी, बहुत ही सिंपल है, तो तुसी देख दे अपनी जिंदगी च, तुहाडी क्लास तो हो गया टॉपिक। चलो आइए जी, चलो अच्छी गल है। हाँ जी, अगर आपा किसे कार नू धुप दे विच पार्क कर दईए, है ना, ते विंडोज़ ओदियां बंद हैगियां 5-10 मिनट वास्ते, तुसी जून जुलाई दे महीने च देखदे ही होंगे 5-10 मिनट वास्ते धुप्प च खड़ा के गए हो, की प्रॉब्लम हुंदी है? उस तो बाद उस च बहुत ज़्यादा भड़ास जी क्रिएट हो जाती है, बैठिया नहीं जाऊगा। सब तो पहला तुसी की करोगे, गड्डी खोलोगे, शीशे डाउन करोगे, एसी ऑन करोगे, फिर तुसी 1-2 मिनट बाद गड्डी च बैठोगे, यही करते हो ना। क्यों? क्योंकि अंदर जिहड़ी गैस भरी हुई हैगी है वह तुहानू उत्थे सांह लैण नहीं दूगी, ठीक है। तो वह गैस केड़ी भर जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इस पूरे इफेक्ट नू ग्रीन हाउस इफेक्ट किया जाता है। हुण नाम देखो कितना खूबसूरत रखे ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस की हुंदा है? कुछ एहो जे पौधे हुंदे है जिन्हां नू उगाण वास्ते आपां नू कुछ स्पैशल प्रोविजन करने पैंदे है क्योंकि वह उग नहीं पाते, तो इन्हां नू कंच दे चैंबर दे विच, ग्लास चैंबर हुंदा है, ग्लास दे चैंबर च पा के धुप्प च रख्या जांदा है क्योंकि ग्लास की क्षमता होंगी है कि कार्बन डाइऑक्साइड नू अंदर ट्रैप कर लेगी, ठीक है। तो जिन्नी ज़्यादा एक प्लांट नू कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी उन्ना वधिया अपना खाना बनाएगा, जिन्ना वधिया वह खाना बनाएगा उन्नी वधिया उहदी ग्रोथ होएगी, ठीक है ना। सो इसलिए जिहड़ा हैगा ग्रीन
ग्रीन हाउस जिहड़ा है इहनूं कहा जांदा है क्योंकि ग्रीन प्लांट हुंदे है उहनां वास्ते आपां इक घर बनाउंदे आ तां अंदर पूरी भड़ास क्रिएट करके प्लांट्स नूं ग्रो करवाया जांदा है। सेम अगर इफेक्ट तुहानूं किते वी देखण नूं मिलदा तां उह ग्रीन हाउस है। हुण मन लो किसे दिन बहुत ज़्यादा बदल हो गए, ठीक है, लेकिन गर्मी का मौसम है तो भड़ास जी हो जाती है ना, क्यों? क्योंकि आसमान से जेडे बदल है उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ना इतने ट्रैप कर लिया, बाहर निकलन ही नहीं दिता कि जिदे करके आपां नूं भड़ास हो जाती है। तो आप कहने जी अज तक ग्रीन हाउस इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है ना। सो ये सब कुछ की आंसर हैगे है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बस एक क्वेश्चन होर कर दो फिर आप कल करांगे, अज लेट हो गए। आप क्वेश्चन हैगा अपना फ्रिज देखिया तुसी रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर च जिहड़ा फ्रीजर हुंदा है वह उपर ही क्यों लग्या हुंदा, नीचे क्यों नहीं हुंदा, ताकि झुकना ना पाए हॉट कंप्रेसर हुंदा है इस करके। बल्लिया सिंपल जा कंसैप्ट है, देखो कोई भी चीज़ है अपनी दुनिया च ना जो एयर हुंदी है ना वह दो तरीके की हुंदी है, एक गर्म ते एक ठंडी, ठीक है। हुण गर्म हवा हमेशा उपर नूं उड़दी है तो ठंडी हवा हमेशा थल्ले नूं बैठती है, ठीक है ना। सो जेड़ा फ्रिज है, फ्रिज का कंप्रैसर तुसी देखिया होना पिछले साइड ते नीचे जे लग्या हुंदा है ना, उस कंप्रैसर ने की करना है गर्म हवा नूं बाहर कढ़ना है, पिछों सेक निकलता ना बहुत सारा, एसी दे विच भी सेम काम हुंदा है, ठीक है ना। हुण जदों इत्थे कोई भी इहने तां गर्मी बाहर कढ़ती लेकिन बाय चांस थोड़ी बहुत गर्मी भी इत्थे रह गई तां उह गर्म हवा उपर उठेगी ना, तां उह गर्म हवा उपर उठे पूरे फ्रिज च घूमे, इस तों वधिया फ्रीजर उहनूं फड़ के जिहड़ा है उत्थे ही ठंडा कर दे। इसे लई गर्म हवा उपर उठदी है, तां ही करके आपां फ्रीजर हमेशा उपर लगाउंदे आ ताकि उह फटाफट उहनूं ठंडा कर दे, क्योंकि फ्रीजर दे विच तां 0 डिग्री ते चला जाएगा ना, ते पूरे फ्रिज दा टैंपरेचर तां आपां 0 डिग्री रखदे ही नहीं, आपां चीज़ां जमानियां थोड़ी ना हुंदियां ने, सिर्फ बर्फ जमानी हुंदी है। क्लीयर होया? सेम एहो जा ही कंसैप्ट हुण इत्थे तुसीं की कह सकते हो, ताकि जिन्ने भी कन्वैक्शन करंट्स है जिन्हों आप गर्म हवावां बोलते हैं ये उपर उठनगियां, ताकि इन्हों आप की कर सकते हैं ठंडा कर सकते हैं शांत कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन आंसर बनया, ठीक है। आ वाला ऑप्शन तो फालतू च ही दिता हुआ, उही मैं कन्वीनियंस दा ताकि झुकना ना पवे आपां, ठीक है ना। सो इहोजा कुछ नहीं है। अच्छा सेम इहोजा एक क्वेश्चन लास्ट मैं थोनू पूछन जा रही हाँ, कमरा है अपना, कमरे च एग्जॉस्ट हमेशा उपर क्यों हुंदा नीचे क्यों नहीं हुंदा, सेम कंसैप्ट है, क्योंकि अपने आप बैठे हाँ भड़ास क्रिएट हुंदी है, कार्बन बनती है, गर्म हुंदी है, गर्म हवा हमेशा उपर उठती है, ठीक है ना। उपर उठूगी तो वह की निकलूगी, उपरों ही बाहर कढ़नी आप, ठीक है। नीचे लाए हुंदे तो पहला हवा नीचे जाती उन्हें खिंचना पैंदा फिर बाहर कढ़ना पैंदा, बहुत लंबा प्रोसैस हो जाता, उन्ने चो भड़ास निकलनी नहीं सी बाहर कमरे चो, समझ आया। सो ये वो चीज़ें जो तुसी अपनी डेली लाइफ च देख रहे हो, सिंपल है ना, साइंस डिफिकल्ट नहीं है ना, ठीक है। चलो सो फिर आज दी क्लास आप इतने समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं आप सेम टाइम सेम जगह 9 बजे। टिल दैन जय हिंद जय भारत।